हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे शंकर आईएएस बुक की मदद से आपके साथ एनवायरनमेंट का मॉड्यूल डिस्कस कर रहे हैं और इसी मॉड्यूल और इसी डिस्कशन के तहत मैं आपके समक्ष आज लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 13 का डिस्कशन। जो चैप्टर नंबर 13 है ये बेसिकली डील करता है कंजर्वेशन एफर्ट से। तात्पर्य ये है कि इसमें हम लोग अलग अलग प्रजातियों को कंजर्व करने के लिए जो जो प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं उसके बारे में समझेंगे और कंजर्वेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी जानेंगे। तो शुरू करने से पहले मेरी एक गुजारिश है दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी चलता है। अगर ये अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लें। एक तो ये एकदम फ्री है, इसके आपको कोई पैसे नहीं देने और साथ में हम इस पे आपको सभी अपडेट तुरंत प्रभाव पे प्रोवाइड कराते हैं और साथ ही साथ में यहाँ पे हम अपना स्टडी मटेरियल भी अपलोड करते हैं जो आप यहाँ से फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। तो अपने इस चैप्टर कंजर्वेशन एफर्ट्स में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टाइगर के बारे में। देखिए, बेसिकली 1900 के पास हम जब देखते हैं तब हमारे देश में करीब 4000 टाइगर्स मौजूद थे, लेकिन यही चीज़ जब 1972 के आसपास देखी गई तो सिर्फ 1800 टाइगर्स की गिनती बची। यानी कि टाइगर्स की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से डिक्लाइन होती जा रही थी, तो ज़रूरत थी कोई ऐसे एफर्ट की, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट की जो टाइगर की पॉपुलेशन को बचा सके। तो इसीलिए 1973 में हमने शुरू किया प्रोजेक्ट टाइगर। अब प्रोजेक्ट टाइगर के तहत हमारे जो ऑब्जेक्टिव थे वो बेसिकली दो थे। देखिए, क्योंकि ये बहुत होलिस्टिक प्रोजेक्ट हमको बनाना था जिससे टाइगर की पॉपुलेशन को वापस बढ़ाया जा सके, तो हमने इसमें टाइगर से संबंधित बहुत सारे मैटर्स को एक साथ कंसिडर किया। जैसे कि ना सिर्फ यहाँ पे आपको टाइगर्स कंजर्व करने थे, उसके अलावा जो टाइगर का हैबिटेट है, जो उनका एरिया है जहाँ पे वो निवास करते हैं, हमको उसको भी यहाँ पे कंजर्व करना था। तो बेसिकली जो इसका पहला ऑब्जेक्टिव था वो था टाइगर्स की पॉपुलेशन को हम लोग मेंटेन करें, और वहीं पर दूसरा ऑब्जेक्टिव था जिन एरियाज़ में टाइगर रहते हैं उन एरियाज़ को भी हमको प्रिजर्व करना था। तो अब देखिए, टाइगर को बचाने के लिए टाइगर से संबंधित सभी चीज़ों को हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं। हमको पॉपुलेशन उनकी बढ़ानी है, लेकिन ज़रूरी है पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए उनके एरियाज़ को भी प्रिजर्व करना, जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे हंटिंग ना हो, पोचिंग ना हो, किसी तरीके का हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ना हो, बहुत ज़्यादा ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो। तो इसी सब को देखते हुए हमने इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी रखा कि हमको टाइगर का एरिया प्रिजर्व करना है। और फिर जो हमने इसका एम रखा वो भी बेसिकली हम दो एरियाज़ में क्लासिफाई करते हैं। एक तो एम हमको पता है कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है एंडेंजर्ड, उसको कंजर्व करना है, और दूसरा उनके एरियाज़ के आसपास जो ट्राइबल रहते हैं उनके भी राइट्स को यहाँ पे हमको प्रिजर्व करना था। तो बेसिकली ये इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि अगर हम कभी भी तुक्के में अटेम्प्ट करें तो हम ये समझेंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर में पूरी तरह टाइगर पर ही फोकस है। लेकिन यहाँ पर टाइगर पर फोकस तो है, साथ साथ उनके एरियाज पे भी फोकस है और ट्राइबल के राइट्स को भी हमने यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंस दी है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट आप ज़रूर ध्यान रखें। अब अगर हम लोग एक बार डेफिनेशन देखें तो प्रोजेक्ट टाइगर एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 73 में लॉन्च की गई। हमने पढ़ा था 72 में देखा तो पॉपुलेशन काफ़ी कम हो रही थी, तो 73 में हमने सोचा कि कोई स्टेप लेना ज़रूरी है। उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव रखे, सबसे पहले तो पॉपुलेशन ऑफ टाइगर मेंटेन करनी है और साथ ही साथ जो एरियाज़ हैं जहाँ पे टाइगर निवास कर रहे हैं उन एरियाज़ को भी आपको कंजर्व करना है। एम हमने इसका देख ही लिया, एक तो है जो एंडेंजर्ड स्पीसी है टाइगर की उसको हमको कंजर्व करना है और ट्राइबल के राइट्स को भी यहाँ पर हमको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद देखिए, जो ये प्रोजेक्ट टाइगर था ये गवर्न करता है टाइगर रिजर्व्स को। अब बेसिकली टाइगर रिजर्व क्या है, एक ऐसा एरिया है ये जो पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए हमने नोटिफाई किया है। अब यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि भाई अगर क्वेश्चन पूछे कि टाइगर रिजर्व को गवर्न कौन करता है, तो प्रोजेक्ट टाइगर उसको गवर्न करता है। अब बात होती है टाइगर रिजर्व को नोटिफाई कौन करता है, तो बेसिकली जो स्टेट की गवर्नमेंट है यानी कि राज्य सरकार है वो नोटिफाई करेगी किसी भी एरिया को टाइगर रिजर्व। यानी कि समझ लीजिए, अगर कोई एरिया है जहाँ पे हमको लग रहा है काफ़ी ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन है और उसको वहाँ पे प्रोटेक्शन और संरक्षण की ज़रूरत है, तो स्टेट गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर एरिया को टाइगर रिजर्व घोषित कर सकती है। लेकिन क्या स्टेट गवर्नमेंट खुद अपने बलबूते करेगी ये? तो नहीं, ये बात नहीं है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक संस्था है जो कि बेसिकली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट है उसका एक अमेंडमेंट हुआ था वर्ष 2006 में,
उसके तहत फॉर्मुलेट की गई थी और इसके फॉर्मुलेशन में रिकमेंडेशन दिए थे टाइगर टास्क फोर्स ने। तो बेसिकली जो ये NTCA है, ये स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है कि भाई ये वाला एरिया ठीक है और इस पर्टिकुलर एरिया को आप घोषित कर सकते हैं टाइगर रिजर्व। तो उसके रिकमेंडेशन के आधार पे स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एरिया को नोटिफाई कर सकती है टाइगर रिजर्व। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली और है, ये जो टाइगर रिजर्व घोषित किए जाते हैं ये बेसिकली दो पर्पज़ के कारण किए जाते हैं। एक तो ये घोषित किए जाते हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर हिमसेल्फ, यानी कि टाइगर खुद, और दूसरा जो भी टाइगर का प्रे है, जो उसका शिकार है, उसको भी यहाँ पे कंजर्व करना है। तो देखिए यहाँ पे टाइगर का तो हमने ध्यान दिया ही है, लेकिन हमको उसके शिकार पे भी ध्यान देना है, क्योंकि अगर किसी भी प्राणी का फूड बचेगा तभी वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन या पर्टिकुलर स्पीशी सर्वाइव कर पाएगी। तो आपको उसका खाना जो भी है उसको बचाने पे भी ध्यान देना है। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है उसके तहत टाइगर रिजर्व जो गवर्न होती हैं, ये बेसिकली दो पर्पज़ अपने अंदर लेके चलती हैं, एक तो टाइगर्स का संरक्षण करना और दूसरा टाइगर के प्रे का यानी कि शिकार का भी संरक्षण करना। तो ये पॉइंट आप ज़रूर ध्यान रखें अपने एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। देखिए जब ये प्रोजेक्ट शुरू की गया था तब यहाँ पे टोटल 9 टाइगर रिजर्व थी, लेकिन आज यहाँ पे कुल मिला के 50 टाइगर रिजर्व हैं। आप इस चीज़ में थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। और ये सारी टाइगर रिजर्व कुल मिला के भारत के 18 राज्यों में पड़ती हैं और इन राज्यों को हम कहते हैं टाइगर रिजर्व स्टेट्स। अगर हम यहाँ पे ये टाइगर रिजर्व स्टेट्स देखें तो ये टोटल 18 स्टेट्स हैं। ये आप एक बार नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए पहली इसमें है कर्नाटका, फिर है उत्तराखंड, फिर है मध्य प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, मिजोरम, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। आप इनको नोट कर लें एक मैप में, इन सब को पॉइंट आउट कर लें और फिर आप ये देख लें कि कौन कौन से तो टाइगर रिजर्व स्टेट्स हैं और कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे टाइगर रिजर्व नहीं है। ऐसे डेटाज एग्ज़ाम के लिए हमेशा हमेशा इम्पॉर्टेंट रहते हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ का एक बार नोट आप कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं टाइगर रिजर्व में क्या क्या होता है। देखिए एक टाइगर रिजर्व में बेसिकली 3 जोन्स होती हैं, माफ़ कीजिएगा, मतलब एक टाइगर रिजर्व में बेसिकली 2 जोन्स होती हैं। एक होती है अंदर की जोन और एक होती है ये बाहर की जोन। जो ये अंदर की जोन है आपकी, इसको आप कहते हैं कोर एरिया, और जो बाहर की जोन होती है इसको हम कहते हैं बफर एरिया। हम लोग कुछ साइंटिफिक डेटाज और कुछ रिसर्च के आधार पे कोर एरियाज एस्टैब्लिश करते हैं, और कोर एरियाज वो वाले एरियाज होते हैं जहाँ पे टाइगर के हैबिटेट को काफ़ी क्रिटिकल घोषित किया गया हो। बेसिकली कोर एरिया को ह्यूमन इंटरफेरेंस से बहुत दूर रखा जाता है, लेकिन साथ साथ इस चीज़ पे भी ध्यान दिया जाता है कि आसपास रह रहे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के राइट्स किसी भी तरीके से हैम्पर ना हो। अब ये कोर एरिया घोषित कौन करता है? कोर एरिया घोषित करेगी स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन फिर वो अपने बलबूते नहीं कर सकती, यहाँ पे भी किसी का रिकमेंडेशन चाहिए होता है, और वो रिकमेंडेशन है यानी कि वो कंसल्टेशन है एक्सपर्ट कमेटी का। एक एक्सपर्ट कमेटी गठित होती है कोर एरिया की लिमिट तय करने के लिए। जो हमारी राज्य सरकार हैं वो इस एक्सपर्ट कमेटी से कंसल्ट करती हैं और सलाह लेने के बाद वो फिर कोर एरिया डिक्लेयर करती हैं। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि कौन घोषित करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन अकेले नहीं, वो एक एक्सपर्ट कमेटी से सलाह लेती हैं और उसके बाद ही घोषित करेंगी। अब कोर एरिया के चारों तरफ उनकी पेरीफेरी में एक और जोन घोषित किया जाता है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे बफर जोन। बफर जोन बेसिकली इसलिए होता है कि भाई जो एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन इंटरफेरेंस है, वो बफर जोन तक ही सीमित रहे और वो अंदर तक ना पहुँचे। यानी कि कोर एरिया के लिए ये एक शॉक एब्जॉर्बिंग एरिया की तरह काम करता है कि कोई भी चीज़ आए तो सबसे पहले अफेक्ट इस बफर एरिया पे पड़े और वो यहाँ पे कोर एरिया तक ना पहुँचे। ये जो बफर एरिया है ये बेसिकली दिखाता है किस तरीके से ह्यूमंस और कंजर्वेशन को हम लोग एक साथ लेके चल सकते हैं। अब बफर एरिया की लिमिट्स कौन तय करेगा? काफ़ी साइंटिफिक स्टडीज़ के बाद और रिसर्च के बाद ये तय किया जाता है कि भाई बफर एरिया का लिमिट कितनी रखनी है, और ये तय करने वाले होते कौन है? ये एक्सपर्ट कमेटी जो यहाँ पे हमने गठित की है वो यहाँ पे ग्राम सभा को भी कंसल्ट करती है। तो ये वाला पॉइंट फिर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बफर एरिया को घोषित करते वक्त एक्सपर्ट कमेटी जो है वो ग्राम सभा का भी कंसल्टेशन लेती है। तो ये हो गया बेसिकली इसको घोषित करना।
तो आपने बना दिया एक टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व के अंदर था कोर एरिया, उसके बाहर था बफर एरिया। आपने समझा कोर एरिया कौन घोषित कर सकता है, आपने समझा बफर एरिया कौन घोषित कर सकता है। अब अगर मैं बात करूं कि भाई आने वाले समय में मेरे को लगा कि जो एरिया है इसमें काफ़ी अच्छा कंजर्वेशन हो गया, तो क्यों ना इस एरिया को थोड़ा छोटा कर दिया जाए, ये बाहर का एरिया डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए, तो भाई क्या ऑल्टरेशन हो सकती है बाउंड्री में? कोई भी ऑल्टरेशन टाइगर रिजर्व में तभी संभव है जब पहला तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी उसके लिए परमिशन दे या फिर उसके लिए रिकमेंड करे, और इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको अप्रूवल लेना नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से। और ये जो अप्रूवल है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का, ये मैंडेटरी है, इसके बिना आप किसी भी तरीके से छेड़छाड़ नहीं कर सकते किसी भी टाइगर रिजर्व की बाउंड्री में। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि भाई टाइगर रिजर्व कैसे बना, क्या था कोर एरिया, क्या था बफर एरिया। अगर बाउंड्रीज में छेड़छाड़ करने हो, किसी टाइगर रिजर्व को छोटा करना हो, बड़ा करना हो, तो हम क्या कर सकते हैं? अब हम बात करते हैं अगर किसी भी टाइगर रिजर्व को हमको डी नोटिफाई करना हो तो वो कैसे करा जा सकता है। तो डी नोटिफाई करने के लिए कोई भी स्टेट गवर्नमेंट तभी आगे बढ़ सकती है जब या तो उसका डी नोटिफिकेशन किसी पब्लिक इंटरेस्ट में हो, या फिर उसने दो बॉडीज़ का अप्रूवल ऑलरेडी ले लिया हो, जिसमें से एक है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और दूसरा है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। तो इन्हीं दो सिनेरियोज़ में किसी भी टाइगर रिजर्व को डीनोटिफाई किया जा सकता है। इसके अलावा किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व को डीनोटिफाई कर सके। अब लगातार हम लोग दो बॉडीज़ की यहाँ पे बात कर रहे हैं जिसमें से एक बॉडी है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। एक बार हम लोग इस नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के ऊपर भी निगाह डाल लेते हैं। देखिए, हमने आपको बताया कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में 2006 में सोचा गया कि कुछ अमेंडमेंट किया जाए, तो इसी के तहत अमेंडमेंट किया गया और उसके अंडर कंस्ट्रक्ट की गई एक बॉडी जिसको बोला गया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। क्योंकि ये एक्ट के तहत एस्टैब्लिश की गई बॉडी है, इसीलिए ये थी बनी स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये पहला पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब इसको बनाने के लिए किसी ने रिकमेंडेशन दिया था, तो रिकमेंडेशन दिया गया था टाइगर टास्क फोर्स द्वारा। ये बॉडी बेसिकली लाई गई थी जिससे टाइगर के कंजर्वेशन को और मजबूती से आगे बढ़ाया जा सके। अब यहाँ पे हम लोग इसके फंक्शन और इसके पावर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो चीज़ है ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले तो जब भी कोई स्टेट गवर्नमेंट टाइगर कंजर्वेशन का प्लान तैयार करती है तो उस प्लान को अप्रूव करना नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के हाथ में होता है। तो ये हो गया इसका पहला जो पावर है या पहला फंक्शन है कि टाइगर कंजर्वेशन प्लान को अप्रूव करना। अगर कोई भी अनसस्टेनेबल लैंड यूज चल रहा है टाइगर रिजर्व के अंदर, तो ये उसको डिसअलाउ कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, अगर माइनिंग की कोई एक्टिविटी शुरू कर दी गई किसी टाइगर रिजर्व के अंदर, तो उसको डिसअलाउ करना किसके हाथ में है? वो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के हाथ में। तो ये इस हो गई इसकी दूसरी पावर। फिर उसके बाद ये गाइडलाइंस ले डाउन करती है जिसके तहत किसी भी टाइगर रिजर्व के आसपास किस तरीके के टूरिज्म एक्टिविटीज़ कैरी ऑन किया जा सकता है, उसकी डिटेलिंग यहाँ पे होती है। इनफैक्ट इन्हीं गाइडलाइंस को टाइम टू टाइम अपडेट करना भी NTCA के हाथ में ही होता है। उसके अलावा इसका फंक्शन है, कोई भी प्रोटेक्शन मेजर अगर लिया जा रहा हो या फिर फ्यूचर में लिया जाना हो तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। इसके अंदर अलग अलग चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि फ्यूचर कोई कंजर्वेशन प्लान प्रिपेयर करना जा रहा हो, कोई पॉपुलेशन एस्टिमेशन करना हो टाइगर का, या फिर पॉपुलेशन एस्टिमेशन करना हो उसके प्रे का यानी कि शिकार का, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी NTCA ही आगे सबको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कितना डिजीज़ फैल रहा है और कौन सा डिजीज़ अभी ज़्यादा फैल रहा है उस पर्टिकुलर एरिया में, क्या मोर्टैलिटी रेट है उस पर्टिकुलर एरिया का, कितने टाइगर्स वहाँ पे किसी भी कारणवश मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, उसके अलावा उस पर्टिकुलर एरिया में पेट्रोलिंग करना, तो ये सब काम जो है वो है NTCA का। उसके अलावा NTCA का एक और फंक्शन है कि जो भी एरिया एक पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व का है, या फिर अगर कोई एरिया है जो एक पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व को दूसरी टाइगर रिजर्व से जोड़ रहा है, तो उसको हम लोग डाइवर्ट ना करें किसी भी अनसस्टेनेबल यूज़ के लिए, तो इसका पूरा ध्यान रखता है NTCA। अब बात आती है, क्या अगर कोई भी एरिया डाइवर्ट करना हो तो वो डाइवर्ट किया जा सकता है? तो हाँ,
एक सिनेरियो में किसी भी एरिया को डाइवर्ट किया जा सकता है अगर वो डाइवर्जन जो है पब्लिक के हित में हो और उसको अप्रूवल दे दिया हो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने। ये संस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके की छेड़छाड़, ऑल्ट्रेशन, घटाना बढ़ाना सब कुछ आपको नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के अप्रूवल के बाद ही करना अलाउड होता है। उसके अलावा NTCA क्या करता है, ये स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करता है टाइगर के कंजर्वेशन में और टाइगर रिजर्व के मैनेजमेंट में। तो ये एक और फंक्शन हो गया इस पर्टिकुलर बॉडी का। उसके अलावा जो भी ऑफिसर्स उस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व में कंजर्वेशन में इन्वॉल्व हैं तो उन टाइगर रिजर्व उन पर्टिकुलर ऑफिसर्स की स्किल डेवलपमेंट और साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग की जिम्मेदारी भी NTCA की ही होती है। तो ये बेसिकली मोटे मोटे फंक्शन है NTCA के। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, तो इसके साथ जुड़े हुए फैक्ट्स को आप ज़रूर ध्यान रखें। फिर एक अगली चीज़ हम देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट है कि टाइगर की पॉपुलेशन कैसे एस्टिमेट की जाती है, उनकी पॉपुलेशन की गिनती कैसे की जाएगी। तो इसके लिए कुछ अलग अलग प्रोसेसेस यूज़ होते हैं, पुरानी कुछ टेक्नोलॉजीज़ थी जिनके ऊपर कुछ सुधार किया गया और आज के ज़माने में कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ आई, तो उन सबको हम इस हेडिंग के अंदर पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जब हम इस तरीके के कोई एस्टिमेशन करते हैं तो हम उसको कहते हैं टाइगर सेंसस। तो ये उसका कीवर्ड है, आप कीवर्ड को ध्यान रखें। ये बताता है एक पर्टिकुलर एरिया में या फिर एक पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व में कितने टाइगर्स मौजूद हैं। इस तरीके की प्रैक्टिसेस ज़्यादातर क्या होता है रेगुलर इंटरवल्स पे कैरी आउट किया जाता है और ऐसी प्रैक्टिसेस से ही हमको मालूम होता है कि जो हमारे कंजर्वेशन प्लान है वो किस अनुसार चल रहे हैं। कि भाई अगर जो पहले पॉपुलेशन थी फॉर एग्जांपल 10 टाइगर्स थे और आज हमने जब 3 साल 4 साल बाद कैलकुलेट किया तो 12 टाइगर हो गए, यानी कि इस दौरान 2 टाइगर की बढ़ोतरी हुई। तो इसका मतलब है हमारे कंजर्वेशन प्लान अच्छे चल रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि ये यहाँ पे टाइगर की डेंसिटी तो मापता ही है, साथ साथ ये उसके प्रे की पॉपुलेशन को भी कैलकुलेट करेगा, यानी कि कितना शिकार, कितना फूड अवेलेबल है टाइगर के लिए। इस चीज़ को भी ये टाइगर सेंसस में हम लोग इंक्लूड करते हैं। सबसे ज़्यादा आम तौर पे जो इस्तेमाल की जाती है उसको हम कहते हैं पग मार्क टेक्निक। तो बेसिकली इस टेक्निक में क्या होता है, इस टेक्निक में टाइगर के पग मार्क्स को देखा जाता है और उसी अनुसार इंडिविजुअल टाइगर को यहाँ पे नोटिफाई किया जाता है। ये बहुत समय से चली आ रही टेक्निक है और आज के ज़माने में कुछ और नई टेक्निक डेवलप हुई हैं, जैसे कि एक है कैमरा ट्रैपिंग और दूसरा है DNA फिंगरप्रिंटिंग। अब कैमरा ट्रैपिंग में क्या होता है, बेसिकली जो भी टाइगर्स हैं उनकी फ़ोटो ली जाती है किसी कैमरा से जो कि उन टाइगर रिजर्व में प्री इंस्टॉल्ड होते हैं और फिर टाइगर को उनके स्ट्राइप्स के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखें कि हर एक टाइगर की बॉडी पे अलग स्ट्राइप होते हैं और ये संभव नहीं है जैसे स्ट्राइप एक टाइगर की बॉडी पे हो वैसे ही स्ट्राइप दूसरी टाइगर की बॉडी पे हो। तो इस स्ट्राइप्स के अनुसार आप हर एक टाइगर को यहाँ पे एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे DNA फिंगरप्रिंटिंग में हम लोग हर एक टाइगर को उनके स्टूल के आधार पे या फिर उसके फीकल मटेरियल के आधार पे क्लासिफाई करते हैं। तो बेसिकली ये कुछ टेक्निक्स हो गई, ये बहुत समय से इस्तेमाल की जा रही टेक्निक है और अभी दो नई टेक्निक हमारे सामने जो आई हैं वो है कैमरा ट्रैपिंग और DNA फिंगरप्रिंटिंग। फिर उसके बाद हम देखते हैं 2006 से हम लोग लगातार 4 साल के इंटरवल के बाद टाइगर मॉनिटरिंग एक्सरसाइज कैरी आउट कर रहे हैं। बेसिकली 2006 के बाद जब हमने 2010 में ये असेसमेंट कंडक्ट किया था तो उसमें कुछ इनोवेशन इंट्रोड्यूस किए गए थे, जैसे इस वाले जो टाइगर की मॉनिटरिंग एक्सरसाइजेज थी उसमें काफ़ी लोगों का अहम योगदान रखा गया था, जैसे कि उस टाइम सिविल सोसाइटीज़ को भी इंक्लूड किया गया, लोकल कम्युनिटीज़ को भी इस मॉनिटरिंग एक्सरसाइज में शामिल किया गया। उसके अलावा फिकल सैंपल्स को इस्तेमाल किया गया जिससे टाइगर्स को हम क्लासिफाई करें। टाइगर्स के साथ हमने काफ़ी और भी चीज़ों को असेस किया, जैसे कि उसका प्रे क्या है, उसके अलावा उसका हैबिटेट क्या है, उसके अलावा टाइगर्स के साथ कौन कौन से को प्रीडेटर्स वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो बेसिकली ये कुछ चेंजेस थे जो 2010 के इनोवेशंस के तौर पे हमारे सामने आते हैं। 2006 से हर एक 4 साल में ये एक्सरसाइज हम लोग बार बार कर रहे हैं। आप इसकी लेटेस्ट इंटरनेट पे देख सकते हैं और करंट अफेयर्स के तौर पे वहाँ से अपने डेटास को और ज़्यादा अपडेट कर सकते हैं। इनके जो बेसिक्स थे हमने वो यहाँ पे देख लिए, इसके आगे की चीज़ें इसमें जब हम अपडेट करेंगे तो वो हमारे करंट अफेयर्स वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे।
इसके अलावा कुछ और जो फैक्ट्स हैं टाइगर से रिलेटेड वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो टाइगर को साइंटिफिकली हम कहते हैं पैंथेरा टाइग्रिस। उसके अलावा देखिए टाइगर की टोटल 8 सब स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें से सिर्फ 5 ही ऐसी स्पीशीज़ हैं जो प्रेजेंट हैं इन द वाइल्ड, टोटल 8 में से। तो बाकी बची हुई 3 क्या हुई? जो बाकी बची हुई 3 थी वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो जो 3 यहाँ पे एक्सटिंक्ट हुई हैं उसमें से पहली है कैस्पियन टाइगर, दूसरी है बाली टाइगर और तीसरी है जावन टाइगर। तो ये जो 3 सब स्पीशीज़ हैं ये एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और आज हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 5 स्पीशी ही मौजूद हैं। उसके अलावा जनरली जो टाइगर का लाइफ स्पैन होता है वो 15 से 18 साल का होता है, माफ़ कीजिएगा, वो जनरली 10 से 15 साल का होता है, लेकिन ये चीज़ 15 से 18 से 20 साल तक भी जी सकती है अगर हम उसको कैप्टिविटी में रखें। तो ये बेसिकली सम फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू टाइगर। और टाइगर हाईली अडेप्टेड होते हैं कि अगर आप उनको साइबेरियन टाइगा में देखना चाहें तो वो आपको वहाँ पे भी दिख पाएंगे, अगर आप उनको ग्रासलैंड्स में ढूंढें तो आपको टाइगर ग्रासलैंड में भी मिल पाएंगे, और इनफैक्ट अगर हम उनको मैंग्रोव में ढूंढने की कोशिश करें तो मैंग्रोव में भी टाइगर मौजूद होते हैं। उसके अलावा टाइगर्स को कंजर्व करने के लिए भारत ने कई जगह इंटरनेशनल कोऑपरेशन किया है, कई जगह MOUs साइन किए हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें नेपाल की, तो भारत ने नेपाल के साथ MOU साइन किया है कि वहाँ पे इलीगल क्रॉस बाउंड्री ट्रेड ना हो सके। उसके अलावा भारत ने चाइना के साथ कुछ प्रोटोकॉल साइन किए हैं टाइगर के कंजर्वेशन के लिए। उसके अलावा बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार से भी हमने कई सारे अग्रीमेंट्स और कोऑपरेशन की कोशिश की है जिसके तहत हम लोग टाइगर को कंजर्व कर सकें। फिर उसके अलावा ग्लोबल टाइगर फोरम जैसी हमने संस्था भी बनाई हैं टाइगर रेंज कंट्रीज के साथ, जिसके तहत टाइगर के कंजर्वेशन पे जोर दिया जा सके इंटरनेशनली। उसके अलावा एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस भी हुई है टाइगर कंजर्वेशन के ऊपर, जहाँ पे बेसिकली न्यू दिल्ली रेजोल्यूशन ऑन टाइगर कंजर्वेशन को अडॉप्ट किया गया, जो कि हुआ था तीसरी ऐसी ही मीटिंग में, यानी कि थर्ड एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में जो कि टाइगर कंजर्वेशन के ऊपर थी, हमने न्यू दिल्ली रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था जो कि टाइगर कंजर्वेशन की तरफ फोकस्ड था। तो बेसिकली ये जो रेजोल्यूशन था इसके तहत हमने 3R अप्रोच अपनाई। इसमें 3R थे, एक तो रिस्टोरेशन, जहाँ पे आपको टाइगर जहाँ से ख़त्म हो गए वहाँ पे रिस्टोर करना है, उसके अलावा रिहैबिलिटेशन, और तीसरा आर था यहाँ पे री इंट्रोडक्शन। इसी रिजोल्यूशन के तहत हमने ये बात पे जोर दिया कि ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्लान को और ज़ोरों शोरों से इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके अलावा हमने और कुछ चीज़ों पे यहाँ पे जोर दिया। सबसे पहला था कि वहाँ पे एंटी पोचिंग सर्विलेंस लगाई जाए जिसके तहत पोचिंग ना हो सके, उस पर्टिकुलर एरिया का हैबिटेट को सुधारने पे हम लोग जोर दें, वहाँ पे डेवलपमेंट को और कंजर्वेशन को साथ में चलाया जाए। और ये आप साथ में कैसे चलाएंगे? जब हम लोग यहाँ पे लोकल्स की मदद लेंगे। इसके अलावा 2010 में बेसिकली एक टाइगर समिट कंडक्ट की गई सेंट पीटर्सबर्ग में, जिसमें फोकस किया गया इस बात पे कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है हमको उसको डबल करना है एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर। फिर हम लोग यहाँ पे टाइगर को डिस्कस कर रहे हैं तो आपको एक और इसी से रिलेटेड फैक्ट मैं बताना चाहूँगा। प्रोजेक्ट लेपर्ड भी शुरू किया गया था और राजस्थान वो पहला स्टेट था जिसने ये प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। तो एज अ फैक्ट आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। तो बेसिकली ये हमने टाइगर से संबंधित सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर किया। अब हम चलते हैं अपने अगले स्पीशी की ओर, जो कि है एलिफेंट्स की। एलिफेंट का जो प्रोजेक्ट है, यानी कि प्रोजेक्ट एलिफेंट को लॉन्च किया गया फरवरी 1992 में, और ये भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। प्रोजेक्ट टाइगर भी हमने देखा था, वो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ही स्कीम थी। इस प्रोजेक्ट के तहत फोकस ये किया गया कि सेंटर यानी कि केंद्र सरकार मदद करेगी स्टेट सरकार की यानी कि राज्य सरकार की एलिफेंट्स की पॉपुलेशन को कंजर्व करने में और उनके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल में उन एरियाज़ में जो बेसिकली एलिफेंट के नेचुरल हैबिटेट की तरह एक्ट करते हैं। जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो बेसिकली ये टोटल 13 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, जहाँ पे एलिफेंट्स की पॉपुलेशन काफ़ी अधिक मात्रा में मौजूद थी। वो स्टेट्स और यूटीज़ कौन कौन से हैं आप यहाँ से देख सकते हैं।
इसके अलावा अगर मैं आज बताऊं तो टोटल 17 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे एलिफेंट एग्जिस्ट करता है इन इट्स वाइल्ड स्टेट। इस प्रोजेक्ट के तहत हम लोग स्टेट्स को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको पैसा दिया जा रहा है जिससे कि वो एलिफेंट के कंजर्वेशन पे ध्यान दे सकें, और साथ साथ उनको टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ साथ दूसरे स्टेट्स जहाँ पे एलिफेंट की थोड़ी कम पॉपुलेशन मौजूद है उन स्टेट्स की भी यहाँ पे हेल्प की जा रही है जिससे कि वो एलिफेंट के सेंसस कंडक्ट करा सकें और उससे हमको पता पड़ पाए कि भारत में एक्चुअल में कितने एलिफेंट मौजूद हैं। प्रोजेक्ट के तहत फोकस ये किया जा रहा है कि मैन और एनिमल के कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस किया जा सके। तो अब अगर हम लोग इस प्रोजेक्ट के बेसिकली ऑब्जेक्टिव पे बात करें तो देखिए इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स तीन हैं, जिसमें से पहला है कि हमको प्रोटेक्ट करना है एलिफेंट्स को, उनके हैबिटेट को और उनके कॉरिडोर्स को। उसके अलावा हमको मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम करना है, और तीसरी बात जो कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमको याद रखना है कि हमको वेलफेयर करना है डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स का भी। यानी कि ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ वाइल्ड एलिफेंट्स पे फोकस कर रहा है लेकिन यहाँ पे हम डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स पे भी फोकस कर रहे हैं। फिर इस प्रोजेक्ट के तहत हमारे कुछ एम्स रहेंगे, जैसे कि सबसे पहले तो एलिफेंट की पोचिंग को बंद करना। पोचिंग एलिफेंट्स में बहुत प्रेवलेंट है तो हम इसको रोकेंगे यहाँ पे, और वो प्रेवलेंट है आइवरी की वजह से, यानी हाथी दांत की वजह से जिसकी इलीगल ट्रेडिंग होती है, तस्करी की जाती है और उसको बहुत बहुत ज़्यादा दाम में बेचा जाता है इंटरनेशनल मार्केट्स में। इस वजह से एलिफेंट्स की पोचिंग की जाती है, हमको बेसिकली इस पोचिंग को रोकना है जिससे कि हम एलिफेंट की सस्टेनेबल पॉपुलेशन बचा के रख पाएँ। फिर यहीं पे हम लोग फोकस करते हैं ब्रीडिंग ऑफ टेम्ड एलिफेंट पे भी, यानी कि जो भी एलिफेंट डोमेस्टिकेट की गए हैं तो उनकी ब्रीडिंग करवाई जाए जिससे कि एलिफेंट्स की पॉपुलेशन बढ़ सके। उसके अलावा कुछ यहाँ पे कॉमन पॉइंट्स पे फोकस किया गया है, जैसे कि जो एलिफेंट रिजर्व्स हैं, जो उनके हैबिटेट हैं, कॉरिडोर हैं, उसका साइंटिफिक वे में मैनेजमेंट। उसके अलावा एलिफेंट से जुड़ी हुई रिसर्च को बढ़ावा देना जिससे कि हम प्रोटेक्शन और बेहतर कर पाएँ, और उसके अलावा वेटरनरी केयर के और डेवलपमेंट यहाँ पर किया जाए। तो ये कुछ मेन एम है प्रोजेक्ट एलिफेंट से जुड़े हुए। फिर हम इस पूरे डिस्कशन के दौरान एक टर्म का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, एलिफेंट कॉरिडोर। हम लोग समझते हैं एलिफेंट कॉरिडोर क्या है। देखिए समझ लेते हैं हम लोग, ये वाला एक एरिया है ए जहाँ पे बहुत सारे एलिफेंट्स हैं, और ये एक एरिया है बी जहाँ पे भी बहुत सारे एलिफेंट मौजूद हैं। तो बेसिकली ये दोनों एरिया जहाँ पे एलिफेंट की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इन दोनों को अगर हम कनेक्ट कर दें इस तरीके के कॉरिडोर्स थे तो इसको हम कहते हैं एलिफेंट कॉरिडोर। यहाँ से इससे हेल्प क्या होती है, जो एलिफेंट यहाँ पे है बेसिकली वो एलिफेंट यहाँ से घूम के यहाँ तक पहुँच पाएगा, और यहाँ पे जो एलिफेंट है तो वो एलिफेंट यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो बेसिकली ये कॉरिडोर जो होते हैं एलिफेंट को ट्रैवल करने के लिए बनाए जाते हैं जिससे कि जो एनिमल और मैन का कॉन्फ्लिक्ट है उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जा सके। तो बेसिकली अभी कॉरिडोर बनाए कैसे जाएंगे, देखिए दोनों तरफ ऐसे स्ट्रिप ऑफ फॉरेस्ट या फिर ट्रीज आप लगा सकते हैं जिससे होगा क्या, ये एक रोड या फिर एक कॉरिडोर की तरह एक्ट करेगा और ये एनिमल यहाँ से यहाँ मूव कर पाएगा। देखिए एलिफेंट्स में टेंडेंसी होती है कि वो एक जगह रुके हुए नहीं रह सकते, वो उस पर्टिकुलर एरिया में कन्फाइंड नहीं रह सकते और उनको बड़ी जगह चाहिए मूव करने के लिए। जब उनको बड़ी जगह नहीं मिलती या फिर इस तरीके के कॉरिडोर नहीं मिलते तो फिर वो अपने एरिया से बाहर निकल जाते हैं, और अपने एरिया से बाहर निकल के फिर वो जब खेत में या फिर किसी ऐसे पर्टिकुलर एरिया में चले जाते हैं जहाँ पे अर्बनाइजेशन की मात्रा अधिक होती है तो उससे मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए और एलिफेंट की पॉपुलेशन सही तरीके से बनी रहे इसके लिए हम लोग एलिफेंट कॉरिडोर का इस्तेमाल करते हैं। करीब टोटल 88 कॉरिडोर हमको देखने को मिलते हैं। ये जो डेटा है ये थोड़ा पुराना है, आप एक बार चेक कर लें, हो सकता है इसका अपडेटेड डेटा आ गया हो, लेकिन जहाँ तक हमने देखा था तो वहाँ तक 88 कॉरिडोर मौजूद हैं। और अगर मैं बात करूँ कहाँ पे ज़्यादा कॉरिडोर हैं तो नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा कॉरिडोर है एज़ कम्पेयर टू साउथ, और इसी वजह से कंजर्वेशन एफर्ट्स नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़ोरों शोरों से चालू हैं। और कुछ रिसर्च के अनुसार 75% से ज़्यादा कॉरिडोर लगातार एलिफेंट के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। फिर अगर हम देखें कि एलिफेंट की पॉपुलेशन क्यों डगमगा रही है तो उसमें एक बड़ा फैक्टर है उनके हैबिटेट का फ्रैगमेंटेशन।
तो अगर हम देखें ये फ्रैगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट किस में सबसे ज़्यादा प्रेविलेंट है, तो वेस्ट बंगाल के आसपास के एरिया में ये सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। जो हैबिटेट थे जहाँ पे एलिफेंट निवास कर रहे थे, उनको डेवलपमेंटल नीड्स के चलते धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है और वहाँ पर कुछ ना कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट बसाया जा रहा है। ऐसा ट्रेंड हमको फिर सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, फिर नॉर्थ ईस्ट में, चौथे नंबर पे सेंट्रल में, और पांचवा यानी कि सबसे कम फ्रेगमेंटेशन कहाँ पे हो रहा है तो वो है हमारे साउथ इंडिया में। इसीलिए साउथ इंडिया में आपको काफ़ी ज़्यादा एलिफेंट्स की पॉपुलेशन देखने को मिलती है। फिर हम बात करते हैं कि एलिफेंट के कॉरिडोर्स को या एलिफेंट की पॉपुलेशन को क्या थ्रेट है। सबसे पहला थ्रेट तो हमने देख ही लिया कि भाई फ्रेगमेंटेशन हो रहा है एलिफेंट के हैबिटेट्स का। उसके अलावा अगर मैं सेंट्रल इंडिया की बात करूं तो वहाँ पे कोल माइनिंग बहुत ज़्यादा प्रेविलेंट है और वहीं पे आयरन ओर माइनिंग भी बहुत ज़्यादा प्रेविलेंट है। तो इन दोनों माइनिंग के चलते यहाँ पे बहुत ज़्यादा एलिफेंट के हैबिटेट का लॉस हो रहा है। फिर हम देखते हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड का एरिया। तो जो ये एरिया हैं, एक तरफ तो ये एरिया बहुत ज़्यादा मिनरल रिच हैं, तो इसीलिए यहाँ पे लगातार कोई ना कोई माइनिंग चलती रहती है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन समस्या तब उजागर होती है जब हमें पता पड़ता है कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर भी यहीं पे स्थित हैं। तो इन दोनों बातों के चलते इसी एरिया में सबसे ज़्यादा हमको मैन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। फिर उसके बाद एक प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली कि एलिफेंट में पोचिंग की बहुत प्रॉब्लम है, और वो क्यों है, क्योंकि आइवरी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा हमको मालूम है कि एलिफेंट्स को बहुत एक्सटेंसिव ग्राउंड चाहिए ग्रेजिंग के लिए और मूवमेंट के लिए। जब ये ग्राउंड एक्सटेंसिव नहीं होते तो ये अपने रेस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर आ जाते हैं। ये जनरली खेत में आते हैं और खेत में आके वहाँ की फसल को तबाह कर देते हैं, जिसके तहत जो भी किसान होते हैं वो एलिफेंट को रोकने के लिए उन पे प्रहार करते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे भी मैन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिलता है। तो ये कुछ वजह हैं जिस वजह से एलिफेंट की पॉपुलेशन में धीरे धीरे डिक्लाइन आ रहा है। तो एलिफेंट्स की पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने कुछ प्रोजेक्ट्स चला रखे हैं, जैसे कि एक है मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, यानी कि अगर कोई भी इलीगल तरीके से एलिफेंट को मार रहा है तो उस चीज़ को यहाँ पे मॉनिटर किया जा रहा है। इस प्रोग्राम को शॉर्ट में बोलते हैं माइक प्रोग्राम। ये प्रोग्राम बेसिकली वर्ष 2003 में स्टार्ट किया गया था और वो भी साउथ एशिया में स्टार्ट हुआ था, और एक मीटिंग हुई थी जिसको हम यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ बोलते हैं साइट्स के अंदर। उसमें ये तय किया गया कि इस तरीके के प्रोग्राम की ज़रूरत है और उसी के तहत 2003 में ये प्रोग्राम आया। ये प्रोग्राम आने के बाद जो इसका मेन पर्पज़ कहा गया वो ये था कि जो भी एलिफेंट रेंज स्टेट्स हैं जहाँ जहाँ एलिफेंट निवास करते हैं उनको सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना जो ज़रूरी है एलिफेंट के सही तरीके से मैनेजमेंट के लिए, और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को बिल्ड करना जिससे एलिफेंट की पॉपुलेशन को लॉन्ग टर्म के लिए बचाया जा सके। अब इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव थे। अगर हमको पॉपुलेशन को यहाँ पे बचाना है तो सबसे पहले हमको जानना ज़रूरी होगा कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा इलीगल हंटिंग हो रही है। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव था कि हमको देखना था कितनी और कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा इलीगल हंटिंग हो रही है। फिर हमको देखना था कि समय की एक स्केल पे इसमें किस तरीके से डिफरेंसेस आए हैं। तो इससे हमारे सामने आएगा, या तो समझ लीजिए 2000 में देखा और आपने 2010 में देखा, तो 2000 में अगर मानते हैं सिर्फ यहाँ पे जो इलीगल हंटिंग हो रही थी वो 100 केसेस थे, तो यहाँ पे अगर 500 केसेस हो गए तो इसका तात्पर्य है कि इलीगल हंटिंग और ज़्यादा बढ़ गई। अगर ये केसेस कम हुए तो यानी कि इलीगल हंटिंग कम हो गई। तो आपने ये चेंजेस यहाँ पे देखे, फिर अगर बढ़ी है तो क्यों बढ़ी है, और अगर कम हुई है तो आखिर क्यों हुई है, और अगर जिस भी फैक्टर्स से ये कम हुई है उन्हीं फैक्टर्स को और अच्छे से इम्प्लीमेंट करना और अच्छे से प्रमोट करना। तो ये जो डेटाज हैं ये बेसिकली इन सारी ही साइट से मंथली बेसिस पे कलेक्ट किए जाते थे इस प्रोग्राम के अंदर, और ये कलेक्ट किए जाते थे एक स्पेशल फॉर्म में जिनको कहा जाता था माइक पेट्रोलिंग फॉर्म। तो इसमें आप ये सभी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से भर देंगे कि कहाँ कहाँ ज़्यादा हंटिंग है, कहाँ कम है, क्यों ज़्यादा है, क्यों कम है, और फिर उसके बाद ये जो फॉर्म है ये जमा कर दिया जाएगा दिल्ली में एक ऑफिस जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया, जिसको हम कहते हैं सब रीजनल ऑफिस फॉर साउथ एशियन प्रोग्राम। अभी इस ऑफिस में ये सारे रीजन्स पढ़े जाते हैं और इस रीजन्स के आधार पे ही जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उनको सपोर्ट किया जाता है एलिफेंट की पॉपुलेशन को बचाने में।
फिर उसके बाद हम एक और प्रोग्राम यहाँ पे देख रहे हैं जिसका नाम है हाथी मेरे साथी। इस प्रोग्राम को बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने लॉन्च किया वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप में। बेसिकली इस प्रोग्राम के तहत दो मेन ऑब्जेक्टिव थे, एक तो कंजर्वेशन एलिफेंट्स का करना और साथ में उनके वेलफेयर के बारे में सोचना। और एलिफेंट हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल है, इस बारे में तो हम लोग अवगत ऑलरेडी होंगे। फिर उसके बाद ये जो कैंपेन थी ये लॉन्च की गई एलिफेंट एड मिनिस्ट्रियल मीटिंग पे जो कि दिल्ली में हुई थी 24 मई 2011 में। तो यानी कि ये प्रोग्राम जो था वो 2011 में इनिशिएट किया गया। अब यहाँ पे जो एलिफेंट एड मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी यानी कि E8 मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी, ये डिनोट करता है E8 कंट्रीज़ को, यानी कि एलिफेंट रेंज 8 कंट्रीज़ को, जिनमें हमने एक यहाँ पे एब्रीविएशन बनाया है आपके लिए I2T2BCKS, यानी कि इंडिया, इंडोनेशिया, टी से है थाईलैंड और दूसरा टी से है तंजानिया, बी से है बोत्सवाना, आर से है रिपब्लिक, माफ़ कीजिएगा, सी से है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, के से है केन्या और एस से है श्रीलंका। तो इसका बेसिक एम था कि सबसे पहले तो अवेयरनेस को बढ़ाना रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट की, जिससे लोग ज़्यादा जागरूक हो पाएँ एलिफेंट्स को कैसे कंजर्व करना है। और आप नाम से देख रहे होंगे हाथी मेरे साथी, यानी कि यहाँ पे फ्रेंडशिप को प्रमोट करना हमारा एक अहम एम था बिटवीन पीपल और एलिफेंट्स। अगर इस तरीके की फ्रेंडशिप प्रमोट होगी तो लोग ज़्यादा कंजर्वेशन की तरफ ध्यान देंगे और एलिफेंट्स की पॉपुलेशन जो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही थी उसको रोका जा सकता है। उसके अलावा एक और कैंपेन प्लान की गई थी हमारी मिनिस्ट्री द्वारा जिसका नाम था गज यात्रा, और कैंपेन का जो मैस्कॉट था उसको रखा गया था गज्जू। ये जो कैंपेन था इसमें क्या हुआ था, इसमें बेसिकली अलग अलग ऑडियंस ग्रुप को टारगेट किया गया था, जिसमें यूथ को, पॉलिसी मेकर्स को और काफ़ी और अलग लोकल्स जो कि एलिफेंट हैबिटेट के आसपास रहते हैं उनको टारगेट किया गया था। उनके अंदर अवेयरनेस स्प्रेड करना इस जो कैंपेन था उसका एम था, जिसके तहत वो एलिफेंट के कंजर्वेशन की तरफ ध्यान दे सकें। इसमें फोकस किया गया एक गज सेंटर सेटअप करना। बेसिकली यहाँ पे गज सेंटर्स सेटअप करने हैं जो कि एलिफेंट के सेंटर्स होंगे हर एक एलिफेंट लैंडस्केप में पूरे कंट्री के अराउंड, जिससे कि हम फोकस करेंगे अवेयरनेस बढ़ाने में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करवाने में एलिफेंट के कंजर्वेशन में। साथ साथ यहाँ पे और फोकस किया गया कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को और मजबूती दी जाए, जिसके तहत एलिफेंट के कंजर्वेशन में वो अहम योगदान निभा सकें। इस तरीके की कैंपेन का बेसिकली रिकमेंडेशन दिया गया एलिफेंट टास्क फोर्स द्वारा, जो सरकार ने ऐसे ही पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूट की थी एलिफेंट के कंजर्वेशन के लिए। और पूरे कैंपेन में कोशिश ये की गई कि किस तरीके से लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सके एलिफेंट के कंजर्वेशन में। तो ये था बेसिकली इस वाले कैंपेन के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो एलिफेंट्स हैं इनको बेसिकली थ्रेट क्या हैं। देखिए जो एशियन एलिफेंट्स हैं उनको मोटे मोटे तीन थ्रेट्स हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किए, जिसमें एक तो है पोचिंग। और पोचिंग क्यों हो रही है हम लोगों को पता है, आइवरी के चलते यानी कि हाथी दांत के चलते। उसके अलावा दूसरा यहाँ पे थ्रेट है कि उनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और इसके अलावा जो तीसरा थ्रेट है वो है मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है, जिसके तहत पॉपुलेशन में रिडक्शन आ रहा है। तो ये जो बेसिकली तीन थ्रेट्स हैं एशियन एलिफेंट्स को। और अगर हम पोचिंग की बात करें तो वो मेनली थ्रेट्स आपको देखने को मिलेगा टस्कर्स में, जो कि जनरली मेल पॉपुलेशन होती है एलिफेंट्स में। और कुछ डेटास के अनुसार जो ये मेल एलिफेंट हैं जो अपने टस्क की वजह से ह्यूमंस का शिकार बनते हैं, उनकी पॉपुलेशन लगातार कम होती चली जा रही है, तो उस पे ध्यान देने का बहुत ज़रूरत है। फिर हम देखते हैं एक एलिफेंट एट मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी उसके बारे में क्या क्या फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। देखिए सबसे पहले तो जो मीटिंग थी ये तीन स्पीशीज ऑफ एलिफेंट पे फोकस करती है, जिसमें पहला है एशियन एलिफेंट, दूसरा है अफ्रीकन बुश एलिफेंट और तीसरा है अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट। और मज़ेदार बात यह है कि जो ये एशियन एलिफेंट है इसके 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो पूरे विश्व में पाई जाती है वो सिर्फ और सिर्फ भारत में मौजूद है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी था एलिफेंट के लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन के लिए, उनके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए, कि जितनी भी एलिफेंट रेंज कंट्रीज़ हैं जो हमने यहाँ पे E8 में देखी थी उनके बीच में डिस्कशन हो और वो एक सल्यूशन तक पहुँचे जिसके तहत एलिफेंट के कंजर्वेशन पे ध्यान दिया जा सके।
और इसी प्रयास को ध्यान में रखते हुए E8 ने मिनिस्ट्रियल मीटिंग की, जिसमें एलिफेंट्स की सभी तीनों स्पीशीज को बचाने के ऊपर ध्यान दिया गया। तो ये जो हमने अभी E8 मिनिस्ट्रियल मीटिंग देखी, इस मीटिंग के गोल्स को अचीव करने के लिए सभी E8 कंट्रीज़ ने कहा कि भाई हम लोगों को एक जगह मिलके काम करना ज़रूरी है, और उसी के तहत शुरू हुआ E5050 फोरम। बेसिकली 50-50 नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें 50 स्टेट्स ने साथ में मिलके अपने विजन को प्रमोट किया। उन्होंने कहा कि हम कंजर्वेशन करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे और हाथियों के वेलफेयर के लिए काम करेंगे अगले 50 साल के अंदर अंदर ही। तो 50 स्टेट्स और 50 ईयर्स की वजह से इसको नाम दिया गया 50-50 और ई यानी कि एलिफेंट। और इसी के तहत E8 कंट्रीज ने डिसाइड किया कि हम पहली इंटरनेशनल कांग्रेस जो E5050 फोरम के अंदर हम लोग कॉन्स्टिट्यूट करेंगे वो हम लोग 2013 दिल्ली में करेंगे। तो उसी के चलते एक ग्लोबल विजन और एक कॉमन गोल अडॉप्ट किया गया कंजर्वेशन पे, मैनेजमेंट पे और वेलफेयर पे एलिफेंट्स के सभी E8 कंट्रीज के द्वारा। तो ये बेसिकली हमने जाने कुछ फैक्ट्स रिलेटेड टू एलिफेंट। अब हम आगे मूव करते हैं टुवर्ड्स आर थर्ड स्पीशी जो कि है वल्चर्स। भारत में बेसिकली वल्चर्स की यानी कि गिद्ध की टोटल 9 स्पीशीज मौजूद हैं, जिनके नाम है ओरिएंटल वाइड बैक्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, इजिप्शियन वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, इंडियन ग्रिफन वल्चर, हिमालयन ग्रिफन वल्चर, सिनेरियस वल्चर और बियर्डेड वल्चर या फिर लैमरगियर। तो ये वल्चर के जो स्पीशीज मौजूद है भारत में, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसको आप किसी ट्रिक के थ्रू ज़रूर याद करें। फिर समस्या तब शुरू हुई जब देखा गया कि वल्चर की पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, और ये पहली बार रिकॉर्ड किया गया केवलादेव घाना नेशनल पार्क में जो कि राजस्थान भरतपुर में स्थित है। फिर जब ये थोड़े समय के अंतराल पे 2005 में रिकॉर्ड किया गया तो देखा गया कि भाई 97% ऑफ वल्चर की पॉपुलेशन के में डिक्लाइन आ गया है। और इसी तरीके के डिक्लाइन देखने को मिले हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में, जैसे कि नेपाल में और जैसे कि पाकिस्तान में। तो इतना ज़बरदस्त जो 97% का डिक्लाइन आया वल्चर की पॉपुलेशन में, तो इसने हमको जागरूक बना दिया और हमको उन फैक्टर्स को ढूंढने पे मजबूर कर दिया जिसके तहत वल्चर की पॉपुलेशन गिरती जा रही है। और इसी डिक्लाइन के चलते जो हमने टोटल 9 स्पीशीज़ देखी थी वल्चर की भारत में, उनमें से 3 स्पीशीज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड की लिस्ट में घोषित कर दी गई। अब वो कौन सी थी, तो देखिए वो थी रेड हेडेड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर और लॉन्ग बिल्ड वल्चर। इसको याद करने के लिए आप इस तरीके की कुछ टेक्निक बना सकते हैं कि एक लंबी गर्दन वाला यानी कि लॉन्ग बिल्ड वल्चर लाल सिलेंडर अपने ऊपर उठा के जा रहा था, जिसकी वजह से वो गिर गया और उसकी पॉपुलेशन एकदम से डिक्लाइन हो गई। तो इसमें आ जाएगा लॉन्ग बिल्ड, फिर उसके बाद सिलेंडर है और लाल है, तो रेड से आ जाएगा रेड हेडेड वल्चर और सिलेंडर से आ जाएगा स्लेंडर बिल्ड वल्चर। देखिए एनवायरनमेंट में हमारे सामने बहुत सारे नाम आएंगे जो हमको याद करने होंगे, तो इस तरीके की अगर हम कोई ट्रिक या टेक्निक से उन नाम को याद करने की कोशिश करें तो लंबे समय तक हमको वो नाम आराम से याद रह सकते हैं। उसके अलावा इजिप्शियन वल्चर और वाइट बैक्ड वल्चर जो हैं वो काफ़ी हद तक डिक्लाइन हुए इंडिया में और वो एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आ गए हैं। तो इसको याद करने के लिए आप ऐसा कुछ स्टेटमेंट बना सकते हैं कि इजिप्ट के लोग वाइट होते हैं, तो यानी कि इजिप्शियन वल्चर और वाइट बैक्ड वल्चर दोनों इसमें आ जाएंगे। फिर उसके बाद आप इसी को जोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे वाइट लोग आजकल इजिप्ट में बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए आप ये जोड़ सकते हैं कि ये वाली पॉपुलेशन एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गई है। अब जो ये वल्चर की पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन हो रही है, जब हमने उसके बारे में देखने की कोशिश की तो हमको ये मिला कि एक ड्रग है जिसका नाम है डाइक्लोफेनाक, उसकी वजह से वल्चर की पॉपुलेशन कम होती जा रही है। भाई होता ये है कि जो डाइक्लोफेनाक है वो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, यानी कि अगर जब पेट में या कहीं पे जलन हो रही होती है तो आप इस ड्रग को जब कंज्यूम कर लेंगे तो जलन कम हो जाएगी। तो बेसिकली होता क्या था, कई लोग अपने कैटल में या फिर अपने पाले हुए पशुओं को ये ड्रग खिलाया करते थे। जब वो पशु की मृत्यु हो जाती थी और उसको वल्चर्स के लिए या तो रखा जाता था या फिर वल्चर उन पे आके अपने आप फीड करते थे, तो हमने देखा कि ये जो ड्रग है ये वल्चर के लिए काफ़ी डेंजरस साबित हो रही है और ये उनके किडनी फेलियर में रिजल्ट कर रही है। तो अगर कोई पेन हुआ या कोई जलन हुई तो उसको कम करने के लिए कैटल को दी गई डाइक्लोफेनाक, जब कैटल की मृत्यु हो गई तो उसके ऊपर फीड करता है वल्चर। वल्चर जब उस पशु को खाता है तो उसके
शरीर के अलग अलग तत्वों के साथ ये जो ड्रग है ये भी वल्चर के अंदर चली जाती है, और वल्चर का जो सिस्टम है वो इस ड्रग को केमिकली ब्रेक डाउन नहीं कर पाता, जिसके चलते वो ड्रग वल्चर के यानी कि गिद्ध के किडनी पे अफेक्ट करती है, और अल्टीमेटली किडनी फेलियर के वजह से उस पर्टिकुलर वल्चर की मृत्यु हो जाती है, और इसी के चलते जो वल्चर की पॉपुलेशन है उसमें एक सीवियर डिक्लाइन आता चला जा रहा था। 85% ऑफ द जो वल्चर पॉपुलेशन है जिसको ऑब्जर्व किया गया उसमें विसरल गाउट की प्रॉब्लम ऑब्जर्व की गई। इसमें होता क्या है, जो यूरिक एसिड है वो ऑर्गन्स के सरफेस पे और अलग अलग टिश्यूज़ पे अक्यूमुलेट हो जाता है, और इसी के चलते टॉक्सिक डिजीज़ लग जाता है वल्चर्स को, जिससे पर्टिकुलरली उनके किडनी में फेलियर हो जाता है, जिसके चलते फाइनली उस पर्टिकुलर वल्चर की डेथ हो जाती है, और इसी से वल्चर की जो पॉपुलेशन है वो ड्रास्टिकली नीचे की तरफ आती चली जा रही थी। अब यहाँ पे एक और टर्म है नेक ड्रूपिंग करके, हम लोग यहाँ पे उसके बारे में भी समझ लेते हैं। जब भी वल्चर की मृत्यु होने जा रही हो तो उससे जस्ट पहले वो नेक ड्रूपिंग जैसे सिम्टम्स दिखाता है। जब एक बार इस तरीके के सिम्टम्स दिख गए तो क्या होता है, जो वल्चर इस तरीके से पेड़ पे बैठा होता है पहले तो क्या होता है, उसके नेक ड्रूपिंग होती है यानी कि उसकी गर्दन झूल जाती है, और कुछ समय बाद ही वो ट्री से गिरता है, कोलैप्स हो जाता है, और कोलैप्स होके उसकी डेथ हो जाती है। यानी अगर नेक ड्रूपिंग हो रही है तो आने वाले समय में उसकी मृत्यु के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार जब एकदम से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, हॉट कंडीशन हो जाती है, तो कई सारे पक्षियों में नेक ड्रूपिंग जैसे फिनोमिनाज ऑब्जर्व किए गए हैं। तो भाई ये सारी समस्याएं हैं डेक्लोफेनेक की वजह से। तो डेक्लोफेनेक हमने देखा कि बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स कॉज करने वाली ड्रग है, तो यहाँ पे NSAID ने उसका एक ऑल्टरनेटिव सजेस्ट किया जिसको हम कहते हैं मेलोक्सिकम। ये मेलोक्सिकम जो है ये बेसिकली कम साइड इफ़ेक्ट्स कॉज करती है, और साथ में अप्रूव की गई है 70 से ज़्यादा देशों में। इसको वेटरनरी ड्रग के तौर पे इंडिया, यूरोप और यूएसए जैसे बड़े बड़े देशों में लाइसेंस मिला हुआ है, और इसी सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने 2006 वर्ष में डाइक्लोफेनेक को यहाँ पे बैन कर दिया गया। लेकिन प्रॉब्लम तब एग्जैजरेट हो गई जब इस ड्रग को कैटल को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाने लगा, और ये ड्रग जो है डाइक्लोफेनेक इतनी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है क्योंकि ये चीप है एज़ कम्पेयर टू मेलोक्सिकैम ड्रग। तो सस्ते मिलने की वजह से लोग इसको ज़्यादा परचेज करते हैं, और अपने कैटल यानी कि पाले हुए पशु पशुओं के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमको एक बात यहाँ पे समझनी होगी कि वल्चर यानी कि गिद्ध जो हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो जो वल्चर है वो एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। कैसे क्लीन करते हैं, ये प्राइमरी रिमूवर है डीकेइंग फ्लैश के, अगर हम बात करें तो इंडिया में और साथ में अफ्रीका में भी। और दूसरी बात, पारसी कम्युनिटी जिनमें एक प्रथा चलती है कि डेड बॉडीज़ को एक पर्टिकुलर एरिया में रख दिया जाता है जहाँ पे वल्चर्स आके उनके ऊपर फीड करते हैं और उनको डिकम्पोज करते हैं, तो इस ट्रेडिशन को जीवित रखने के लिए भी वल्चर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जिस स्थान पे पारसी कम्युनिटी अपनी डेड बॉडीज़ को प्लेस करती है उनको कहा जाता है टार्स ऑफ साइलेंस। अगर वल्चर आके यहाँ पे इन डेड बॉडीज़ को कंज्यूम नहीं करेंगे तो जो डेड बॉडीज़ हैं वो यहाँ पे डिकम्पोज होती रहेंगी, और इसकी वजह से खतरा बढ़ जाता है बहुत सारे डिजीज़ के स्प्रेड का। अब हम समझते हैं कॉन्सेप्ट वल्चर सेफ्टी जोन का। क्या है ये जोन? बेसिकली ये एक जोन बनाया गया है जो वल्चर कॉलोनीज़ है उनके 150 किलोमीटर के दायरे में, जिसकी स्ट्रिक्टनेस की वजह से इस पूरे एरिया में ना ही डाइक्लोफेनेक का इस्तेमाल होगा और ना ही किसी और तरीके की वेटरनरी टॉक्सिक ड्रग का इस्तेमाल होगा, जिससे कि उस पूरे एरिया में वल्चर को सेफ फूड प्रोवाइड किया जा सके। ये जो वल्चर सेफ्टी जोन्स का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली एशियन कॉन्टिनेंट के लिए काफ़ी यूनिक है, लेकिन इस तरीके की और भी कॉन्सेप्ट्स चलते हैं यूरोप में भी और अफ्रीका में भी। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि 150 किलोमीटर का दायरा माना जाता है जहाँ भी वल्चर कॉलोनीज़ है उससे इन वल्चर सेफ्टी जोन्स का, और यहाँ पे इस बात पे फोकस किया जाता है कि ना ही डाइक्लोफेनेक का इस्तेमाल किया जाए ना ही किसी और वेटरनरी टॉक्सिक ड्रग का, जिससे कि कैटल में ऐसी चीज़ें ना पाई जाएं और जब उसका कंजम्पशन करे वल्चर तो उनको कोई भी टॉक्सिक फूड ना मिले।
इस तरीके के जो वल्चर सेफ्टी जोन है ये हमको मिलते हैं जिम कॉर्बेट के चारों तरफ, फिर साथ में दुधवा और करतारनिया घाट फॉरेस्ट के आसपास। और ऐसे वल्चर सेफ्टी जोन्स नेपाल ने भी सेटअप किए हैं इंडिया और नेपाल बॉर्डर के आसपास। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आजकल काफ़ी इस्तेमाल में है, और इससे क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, सेफ फूड मिल रहा है वल्चर को, ह्यूमन का डिस्टरबेंस कम हो रहा है, कोई भी टॉक्सिक ड्रग उनके खाने में नहीं आ रही है, और डिजीज़ कम से कम स्प्रेड हो रहे हैं। अब क्योंकि वल्चर को यहाँ पे सेफ फूड मिल रहा है तो सुरक्षित खाने की वजह से सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं यंग वल्चर्स के। और ये पर्टिकुलर एरिया जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये काफ़ी सारे फ़ायदे हैं वल्चर सेफ्टी जोन्स के। तो अगर हम जोन देखेंगे तो उत्तराखंड और नेपाल के बीच में हमको जोन देखने को मिलेगा, जो कि कॉर्बेट का कुछ हिस्सा घेरे हुए है और कतरिया घाट का कुछ हिस्सा घेरे हुए है। तराई बेल्ट के पास आपको देखने को मिलेगा करीब 30,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। इस पर्टिकुलर इलाके में हमको स्लेंडर बिल्ड वल्चर देखने को मिलेंगे और वाइट बैक्ड वल्चर भी देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में हम लोग चलें तो देखिए डिब्रूगढ़ आसाम से लेकर लखीमपुर जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, इस पर्टिकुलर एरिया में आपको वल्चर जोन देखने को मिलेंगे। और इस एरिया में भी हमको स्लेंडर बिल्ड वल्चर और वाइट बैक्ड वल्चर देखने को मिलते हैं। अब तीसरा जो एरिया है ये आ जाता है हमारे सेंट्रल इंडिया में। सेंट्रल इंडिया में बेसिकली छत्तीसगढ़ के आसपास का इलाका जहाँ पे हमको वाइट बैक्ड वल्चर देखने को मिलते हैं और साथ में लॉन्ग बिल्ड वल्चर देखने को मिलते हैं, उस एरिया को भी हमने वल्चर कंजर्वेशन जोन घोषित कर रखा है या फिर वल्चर सेफ जोन घोषित कर रखा है। ज़रूरत है आज के समय में हमको इसी तरीके के और ज़्यादा डाइक्लोफेनेक फ्री जोन्स बनाने की। फिर उसके बाद हमने वल्चर से रिलेटेड एक और नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे इजाद किया है, जिसको हमने कहा है वल्चर रेस्टोरेंट। ये वल्चर रेस्टोरेंट बेसिकली इन सीटू मोड ऑफ कंजर्वेशन है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखें। ये बेसिकली पंजाब और महाराष्ट्र के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक इनिशिएटिव है। इसमें टेबल रिजर्व होती हैं सिर्फ कुछ एक स्पेशल स्पीशी ऑफ वल्चर्स के लिए, जिससे कि वो वहाँ पे आएँ और वहाँ पे सेफ फूड कंज्यूम कर सकें। यहाँ पे हम लोग काफ़ी ध्यान से फूड को रखते हैं ये सब देख के कि जो भी फूड है वो डाइक्लोफेनेक और बाकी जो भी टॉक्सिक ड्रग्स हैं उन सब से एकदम फ्री हो। तो अगर हम यहाँ पे उनको सेफ फूड प्रोवाइड करेंगे तो उनके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये जो है वल्चर के सर्वाइवल को प्रमोट करने के लिए एक इनिशिएटिव है, और ये इन सीटू मोड ऑफ कंजर्वेशन है। इसमें लोकल कम्युनिटी का काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लिया जाता है। होता क्या है, अगर किसी भी व्यक्ति का कोई पाला हुआ पशु यहाँ पे मर जाता है तो वो जाके तुरंत इन्फॉर्म करता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गांव में आएगा और इस पर्टिकुलर मरे हुए पशु को टेस्ट करेगा और देखेगा कि इसमें डाइक्लोफेनेक या कोई और टॉक्सिक ड्रग तो नहीं है। अगर एक बार ये सब देखने के बाद टेस्ट पॉजिटिव आए कि इसमें कुछ भी इस तरीके की ड्रग्स मौजूद नहीं है, तो फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस व्यक्ति को कुछ पैसे दे देता है, कुछ मॉनेटरी रिवॉर्ड्स दे देता है, और ये जो डेड एनिमल है इसका, इनको ले जाता है वल्चर रेस्टोरेंट में, और ये डेड एनिमल इस वल्चर रेस्टोरेंट के मेन्यू में सर्व किया जाता है। इसके अलावा जहाँ भी वल्चर के नेस्ट हमको मिले हैं उन एरियाज़ में सेफ फूड को प्रोवाइड करना, लगातार उनको प्रोटेक्शन देना अलग अलग तरीके के डिस्टर्बेंस से, इस तरीके की इनिशिएटिव गवर्नमेंट लगातार ले रही है। तो अगर हम बोलें तो ऐसे डाइनिंग स्पॉट्स कहाँ पे होंगे, यानी कि ऐसे रेस्टोरेंट कहाँ पे हैं जहाँ पे वल्चर जाके डाइनिंग कर सकते हैं, तो पंजाब में हमको देखने को मिलेगी ये चीज़, कठलौर में हमको देखने को मिलेगा, चंदोला में देखने को मिलेगा और चमरौर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम लोग बात करें कि महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे तो महाराष्ट्र में ये गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में, थाने में, नासिक में, नागपुर में और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हमको देखने को मिलेंगे। अब अगर हम बात करें तो वल्चर के ब्रीडिंग सेंटर्स भारत में कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो ये कई जगह मिलते हैं। सबसे पहले तो पिंजौर, जो कि 2001 में स्थापित हुआ था हरियाणा में, वो देखने को मिलेगा। दूसरा ब्रीडिंग सेंटर रानी गुवाहाटी में देखने को मिलेगा, जो कि आसाम में है। और तीसरा हमको बक्सा वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, जो कि 2005 में एस्टैब्लिश हुआ था। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो है वो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ मिल के कई बार लगातार ब्रीडिंग सेंटर्स से कुछ वल्चर्स को बाहर इंट्रोड्यूस करती है, जिससे कि उनकी पॉपुलेशन में बढ़ोतरी हो पाए।
ऐसा देखा गया था 2014 में जब 30 यंग वल्चर्स को इन दोनों ने मिलके वल्चर ब्रीडिंग सेंटर से सेफ जोन्स में ट्रांसफ़र किया। उसके अलावा सरकार ने नेशनल एक्शन प्लान भी बनाया है 2006 में वल्चर कंजर्वेशन के लिए। उसके अलावा प्रोटेक्शन स्टेटस कुछ एक वल्चर्स का, जैसे कि वाइट बैक्ड वल्चर, जैसे कि लॉन्ग बिल्ड वल्चर, जैसे कि स्लेंडर बिल्ड वल्चर, अपग्रेड किया गया शेड्यूल 4 से शेड्यूल 1 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। उसके अलावा वल्चर कैप्टिव केयर फैसिलिटी स्थापित की गई पंचकूला में, और लगातार कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर्स को भी स्थापित किया जा रहा है जिससे इनकी सेफ और हाइजीनिक तौर पर ब्रीडिंग कराई जा सके। इसके अलावा भारत 2004 में IUCN में भी मूव किया था वल्चर कंजर्वेशन के लिए, जो बाद में एक IUCN के रेजोल्यूशन में एक्सेप्ट कर ली गई थी बात, और कहा गया था कि डाइक्लोफेनाक को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना है वल्चर रेंज कंट्रीज़ में। उसके अलावा IUCN के ही अंदर एक साउथ एशियन टास्क फोर्स का निर्माण किया गया जो लगातार वल्चर के कंजर्वेशन के लिए काम कर रही है।